हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक राव, रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी लोगों के बीच में कनेक्ट हूँ एक बहुत ही खास बिग अपडेट और बहुत ही गुड न्यूज लेकर आया हूँ। अब आप सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या है गुड न्यूज, वाकई में क्या आरबीआई असिस्टेंट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया। तो इसके सिलसिले में आप सभी लोगों को बहुत ही खास इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं यहां पर आप सभी लोगों के बीच में हमेशा एकदम सटीक जानकारी लेकर आता हूं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप सभी लोगों को जेन्युइन वीडियोस जो देखने को मिले, क्योंकि यूट्यूब पे इतिहास में अब ये हो गया है कि हर कोई वीडियो बना रहा है, मतलब कुछ भी उन्हें पता भी नहीं है। उन्होंने क्या किया, वीडियोस दूसरों की देख के उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। हालांकि कहीं ना कहीं मैं आप सभी लोग बीच में जब भी कनेक्ट होता हूं थोड़ी सी वीडियो लेट आई, लेकिन मैं आप सभी लोग बीच में एक बहुत ही आंकड़ों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे मैं आप सभी लोग बीच में यहां पर वीडियो लेकर आता हूं। क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों के बीच में अगर 10 मिनट की बात बोल रहा हूं तो उस पर 2-3 घंटे में स्टडी करके आता हूं, इतनी सॉलिड बात होती है। अब दो सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है वो आप सभी लोग जान लीजिए। सबसे पहली खुशखबरी स्क्रीन पे आप सभी लोगों को मैं खुद ही दिखा देता हूं कि पहली खुशखबरी यह है कि आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2023 अब आने वाला है। अब आप सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तो मुझे भी पता है, लेकिन खुशखबरी क्या है। सबसे बड़ी बात, अब आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2023 के लिए कमर कस लो, क्योंकि नोटिफिकेशन बिल्कुल आने वाला है। और सेकंड खुशखबरी यह है कि भाई रिजल्ट आउट कर दिया गया है, जो पेंडिंग में था रिजल्ट कि रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें 2021 नेम ऑफ द ऑफिस कानपुर एंड लखनऊ इंक्लूडिंग देहरादून, जो काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर कानपुर लखनऊ का रिजल्ट नहीं आया, इसके वजह से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो अब तो नोटिफिकेशन आना तय है, क्योंकि अब रिजल्ट आप लोगों के बीच में देखने को मिल गया। 2021 का जो कानपुर लखनऊ और इंक्लूडिंग देहरादून का जो रिजल्ट था वो कहीं ना कहीं अभी तक पेंडिंग में था, तो आप सभी लोगों के बीच में अब फाइनली रिजल्ट आउट कर दिया गया है। अब तो आप सभी लोगों को 100% सियोरिटी है कि 2-3 दिन के अंदर आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ, तो आप लोगों को क्या खुशखबरी है, रिजल्ट आउट कर दिया गया, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जान लीजिए, आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2023 एक्सपेक्टेड डेट 4th week of January 2023, 1st week of February, मतलब आपको या तो जनवरी एंड पे ही, मतलब लास्ट डेट पे ही मिल जाएगा, या तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों को, 1 या 2 फरवरी को आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जनवरी नोटिफिकेशन बिल्कुल दे जाएगा आप लोगों को। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा, और डेट आप लोगों के बीच में यहाँ पर प्रीलिम्स की जो डेट है वो कंफर्म है। आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4th मार्च 2023 आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स रिजल्ट आउट वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम आप लोगों को ऑलरेडी बता देता हूँ, जिसके ये क्या है, पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनके आंकड़ों के आधार पे कितना प्रीलिम्स और मेंस में पिछली बार कितना गैप रहा, और ये सब उनको एनालिसिस करके आप लोगों के बीच में लेकर आया जाता है। आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम डेट 16 अप्रैल 2023 को एक्सपेक्टेड है। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो आरबीआई असिस्टेंट अप्लाई ऑनलाइन 2023 स्टार्ट डेट कब से, तो आप सभी लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि ये बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन जैसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 मार्च को इसका प्रीलिम्स का पेपर है। तो नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द, मतलब ये नहीं कहूंगा, मुझे तो ऐसा पूरा उम्मीद लग रहा है कि जनवरी 30 या 31 जनवरी को आप लोगों को इसका पूरा संभावना है कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान लिए आप लोगों ने। अब आप सभी लोगों को एज लिमिट बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि पहले से ही प्रिपेयर रहे, जिनकी एज 20 से 28 है वो तो तैयार रहिए आरबीआई असिस्टेंट के लिए, और एज रिलैक्सेशन अलग से ही मिलता है, जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कैटेगरीज वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है एज का वो मिलेगा ही। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को मैं सिलेक्शन प्रोसेस का बता देता हूं। 3 एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस और LPT। प्रीलिम्स ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है, मेंस में आप लोगों को नंबर अच्छे लेकर आने पड़ते हैं। तो आप सभी लोग सोचेंगे कि कट ऑफ को बस क्लियर करना है, नहीं, आपको इसमें गुड स्कोर भी लेकर आना पड़ता है, तब आपका LPT होता है। और LPT जो होता है वो फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑन द मेंस एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जो फाइनल सिलेक्शन बनता है वो आपके मेंस और LPT पे ही बनता है। प्री जो होता है वो
क्वालिफाई नेचर का होता है। तो मैंने आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया है, इसके साथ साथ मैं और भी आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो इसमें इंग्लिश और रीजनिंग और क्वांट आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के 30 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा तो 100 और मैक्सिमम मार्क्स की बात करूंगा तो कहने का मतलब अगर 30 क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा तो मैक्सिमम मार्क्स भी 100 का है टोटल। अगर टाइम की भी बात करें तो इसमें सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग अलग अलग मिलता है। आपको इंग्लिश 20 मिनट में करना है, रीजनिंग एबिलिटी 20 मिनट में आप लोगों को करना है और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको 20 मिनट में करना है। साथ ही साथ अगर हम टोटल टाइमिंग की बात करें तो एक घंटे में आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आप लोगों को लेकर मतलब कहीं ना कहीं टारगेट बनाना होगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर मेंस का भी आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ कि रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज वही 3 सब्जेक्ट तो मेन है ही, इसके साथ साथ ऐड क्या होता है कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें सभी के इक्वल इक्वल क्वेश्चन और इक्वल इक्वल मार्क्स, मतलब रीजनिंग एबिलिटी 40 तो 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन तो 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जर्नल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल की बात करूं तो 200, मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो 200 और टोटल की अगर बात करें तो टाइमिंग 135 मिनट और रीजनिंग एबिलिटी 30 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज 30 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज 20 मिनट और आपको जीए के लिए 25 मिनट मिलते हैं। इसलिए हम टोटल अगर टाइमिंग की बात करूं तो 135 मिनट्स आप सभी लोगों को देखने को मिलते हैं। ये आरबीआई असिस्टेंट का मैंने कुछ आप लोगों को रिव्यू दिया है। फाइनली आप जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा और नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पे आप लोगों को वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो आप सभी लोग बस तैयार रहिए, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी कंफर्म हो जाए कि रिजल्ट आउट कर दिया गया है और इसके साथ साथ आप लोगों का नोटिफिकेशन आना ही है। मतलब रिजल्ट आउट हुआ तो पूरी संभावना हो गई, 100% सियोरिटी हो गई कि अब नोटिफिकेशन आपका आ ही जाएगा। तो बस आप सभी लोग अपनी तैयारी करिए, अगर तैयारी में कोई समस्या है तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिस्पांस जरूर दिया जाएगा। चलते हैं आज के लिए बस इतना ही, रखते हैं, ओके, टेक केयर, थैंक यू।